जय माता दी। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अष्टमी और नवमी तिथि की सही तारीख और कन्या पूजन की विधि। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना और व्रत करने के साथ अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है। मान्यता है कि नवरात्रि का व्रत कन्या पूजन के बाद ही पूरा माना जाता है। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर से हो चुकी है। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना करने के बाद अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन करना बहुत ही शुभ होता है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी और नवमी को माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। ये दोनों तिथि में कन्या पूजन बहुत ही शुभ फलदायी होता है। आइए जानते हैं कि इस बार कन्या पूजन किस दिन किया जाएगा। पंचांग के अनुसार इस साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर को दोपहर 12:31 से शुरू हो रही, जो 11 अक्टूबर को दोपहर 12:06 तक है। उदया तिथि के अनुसार दुर्गा अष्टमी 11 अक्टूबर शुक्रवार को मनाई जाएंगी। इस बार दुर्गा अष्टमी और महानवमी दोनों एक ही दिन 11 अक्टूबर को है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कन्या पूजन की विधि। महाअष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन करने के लिए स्नान आदि करने के बाद भगवान गणेश और माता गौरी की पूजा करें। इसके बाद कन्या पूजन के लिए 9 कन्याओं और एक लड़के को भी आमंत्रित करें। पूजा की शुरुआत कन्याओं के स्वागत से करें। इसके बाद सभी कन्याओं के साफ पानी से पैर धोएं और साफ कपड़े से पोंछकर आसन पर बिठाएं। फिर कन्याओं के माथे पर कुमकुम और अक्षत का टीका लगाएं। इसके बाद कन्याओं के हाथ में कलावा या मौली बांधें। एक थाली के में घी का दीपक जलाकर सभी कन्याओं की आरती उतारें। आरती उतारने के बाद कन्याओं को भोग में पूरी, चना, हलवा और नारियल खिलाएं। भोजन के बाद उन्हें अपने सामर्थ्य अनुसार भेंट दें। आखिर में कन्याओं के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद जरूर लें। अंत में उन्हें अक्षत देकर उनसे थोड़ा अक्षत अपने घर में छिड़कने को कहें। धार्मिक मान्यता के अनुसार कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। इसी कारण नवरात्रि के अंतिम दिन कन्या पूजन कर माँ दुर्गा को प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता है। इससे माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है।